बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल SFS ब्लॉग पे। आज की जो मेरी वीडियो है, मैं शलवार पे डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये रेडी शलवार की कटिंग की हुई है। और शलवार का जो पांचा वो मैं आपके सामने मेजर करने लगी हूँ। ये मुझे चाहिए 15 इंच। तो ये कुछ थोड़ी सी सिलाइयाँ मैंने लगा के पहले से जो डिज़ाइन है वो मैंने रखा हुआ है, और ये इसकी चौड़ाई है 3 इंच, और ये मुझे 15 इंच की जो है ना सिलाइयाँ ऐसे लगानी है। इसको ऐसे पकड़ के जो मशीन पे इसको ऐसे ना एक पैर पैर की सिलाई दे के इसको डिज़ाइन बनाना है। और मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, ये ऐसे मैं सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी। सिलाइयाँ थोड़ी सी मैंने पहले इसलिए लगा दी थी कि टाइम जो है ना, मतलब मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, शॉर्टकट में बनाना चाहती थी, इसलिए इसको ऐसे पकड़ के तो एक पैर पैर की गैप में दे के इसको ऐसे सिलाई लगानी है। और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है। और ये देखें, सारी सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको मैं प्रेस की मदद से बैठा लूँगी। ये मुझे 15 इंच के लिए चाहिए, लेकिन ये 15 से थोड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो तो ठीक है, कम ना हो तो। ये देखिए 15 इंच मुझे चाहिए थी, ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बना ली है। तो अब इसको मैं प्रेस की मदद से बैठा के सारा जो रुख है ना एक तरफ लेके फिर आती हूँ, और फिर ये मैं लैस इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये लैस का कलर अगर डार्क है तो, क्योंकि कमीज़ में भी ऐसा ही कलर है, तो इसलिए मैंने ये डार्क कलर की लैस चूज़ की है इसके साथ लगाने के लिए। देखें, प्रेस की मदद से मैंने इन सबको बैठा दिया है, और इनका एक साइड पर इनका सारा फेस आ गया। अब मैं पहले मैं पांचा रेडी करूंगी, जो नीचे पांचा आता है वो वाला, और उसके बाद फिर मैं इसके साथ इसको टच करूंगी। और ये देखें, पांचे पे ऐसे मशीन का जो सिलाई है उसका थोड़ा सारा बड़ा टांका कर लें, ताकि ये सिलाई हमने बाद में निकाल लेनी है। बड़ी सिलाई में इसको ऐसे रेडी करके फिर मैं इसको प्रेस की मदद से बैठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैंने ऐसे कर लिया, और ये एक पैर की गैप देके इसको मैंने इतना छोड़ा ताकि इसको मैं जब लैस लगाऊँ तो ये अंदर आ जाए। और ये पांचा जो है ना ऐसे सीधा होना चाहिए, पांचे का रुख सीधा और लैस जो है ना वो सीधी होनी चाहिए, जो सीधा साइड है ना वो ऊपर आनी चाहिए लैस की। और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसको फिर मैं रेडी करूँगी। और देखें, ये सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं, सॉरी वो लैस मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इस लैस को ये अंदर की तरफ लेके पांचा इसके ऊपर लेके आना है, और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे सफाई के साथ आए। और ये देखें कितना अच्छा। और ये जो बड़ी सिलाई थी मैंने, जो मोटी वाली लगाई थी, वो मैं बाद में निकाल दूंगी। अब जो सिलाइयाँ मैंने लगाई थी, ये पांचा उसके साथ मैंने टच करना है, ये नीचे आएगा। और अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी मैं।
नीचे भी इसके किनारे पे और ऊपर जो है ना उसके किनारे पे ऐसे सिलाई लगा के, सिलाई लगाने से क्या होता है फिर जो लेस हमने लगाई है ना वो एक वाजिया नज़र आती है फिर। और ये शलवार का जो मिडल है इसमें मैंने कट लगा दिया है, और पांचा का जो मिडल है उसको भी मैंने कट किया है, और अब ये दोनों कट आपस में मिक्स करके, सॉरी दोनों को आपस में जोड़ के तो फिर मैं इसके ऊपर अब सिलाई लगाऊंगी। अब फिर इसके ऊपर किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी ताकि लेस जो है ना वो वाजिया नज़र आ जाए ऐसे। और ये होगी हमारी शलवार कंप्लीट। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। और ये होगी रेडी। ये देखिए कमीज़ में भी डार्क कलर की कलर था तो इसलिए मैंने ये येलो कलर जो ना लगाया इस पे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी आज की भी वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगली नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।